इसलिए प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, पेपर जरूरी होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, जो हमारा जखीरा है, जो हमारा नॉलेज है, उसको पूरी किताब को हमने पढ़ लिए, पूरे एग्जाम पास कर लिए, पूरी एक्सरसाइज खर्च कर दी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमें किसी भी सबक का एट द टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चार चैप्टर है हमारे, चार चैप्टर में से कोई भी सवाल एट द टाइम पूछा जा रहा है, तो उस वक्त क्या हमें सही समझा है, क्या हमारा नॉलेज अभी मुकम्मल है, क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसा पता चलता है, जब हम एग्जाम देते हैं, जब हम पेपर हल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, कभी सवाल पहले सबक का आ रहा है, कभी सवाल दूसरे सबक का आ रहा है, कभी पांचवे सबक का आ रहा है, कभी तीसरे सबक का आ रहा है, तो इससे क्या होता है, समझ में आ रहा है, हाँ इस सबक की भी स्टडी हमारी अच्छे से हो गई है, इस सबक की भी स्टडी हमारी अच्छे से हो गई है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर। तो हम लगातार जो है नॉलेज के जो सवाल पर्चे दिए होते हैं उन पर्चों का हल कर रहे थे। तो पेपर नंबर 4 चल रहा था, लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था, ठीक है। आपके साथ में सवाल आपकी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि आप भी इसका स्क्रीन शॉट रखें, और उसके बाद में सवाल मैं बोर्ड पे लिखूंगी, लेकिन आपके पास भी वो रहेगी। तो देखिए ये है सवाल नंबर 3 का, बी का थर्ड वाला करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बी थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 बी 2 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है 0 1 2 3 4 हिंदसों का इस्तेमाल करके दो हिंदसी आदत बनाए गए, इनमें हिंदसों को दोहराने की इजाजत है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको उस वक्त यही कंडीशन, आदत दोहराए जाएंगे या आदत दोहराए नहीं जाएंगे, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि सवाल में यही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा घुमाकर कंडीशन दी जाती है, आदत दोहराए जाएंगे, दोहराने की इजाजत है। यानी 0 0 तो नहीं ले सकते, कोई नंबर नहीं बनता, 1 1 लेके 11, 2 2 लेकर 22, 3 3 लेकर 33, 4 4 लेकर 44, इस तरह बनता है, ठीक है। अब एहतमाल मालूम कीजिए, किन किन का एहतमाल मालूम करना, 1 2 3 इन कंडीशन दिए है, मुफीद आदात 4 के जाफ और 11 के जाफ, ठीक है। तो ये पहला सवाल रहेगा जो हम हल करेंगे। उसके बाद ये है इसका तीसरा, हम नहीं करेंगे इसके बाद वाला, तीसरा नहीं सॉरी चौथा है, क्योंकि वो अभी सिलेबस में ही है। फिर हम क्वेश्चन 4 के और क्वेश्चन 5 के सवाल हल करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट रख लीजिए आप अपने पास। ठीक है, तो चलिए फिर सवाल आपके सामने था, सवाल आपने देख लिए है, ठीक है। सवाल है आपके पास 0 1 2 3 4, ठीक है। इन आदत को दोहराने की इजाजत है, तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल में, ठीक है, सवाल नंबर 3 बी का तीसरा, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले इन आदत को लेकर हमें नमूने वसत लिखना होता है, ठीक है। तो जवाब लिख रहे हैं हम, सवाल आपने देखे है, नमूने वसत हल कर रहे हैं। सबसे पहले रहेगा आपका नमूने वसत सैंपल, एस 0 और 1 लेकर नहीं, 1 नहीं बनना चाहिए, 2 हिंदसी आदत बनना चाहिए, 0 1 लेंगे तो 1 बन जाएगा, वो इकाई का हिंदसी रहेगा। सबसे बनेगा 1 और 0 लेके 10, फिर 1 1 लेके 11, 1 2 लेके 12, 1 3 से 14, 1 4 से 13, 14, फिर 2 0
1, यहाँ देखिए ऐसे नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 है ना। 1, 0 को लेंगे तो 10 बन गया, 1, 1 फिर 1, 2 फिर 1, 3 फिर 1, 4 फिर 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 इस तरह 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 इस तरह 4, 0, 4, 1 ठीक है। समझ में आपको कैसे नंबर आप लेना है 2, 2, 2, 3, 2, 4 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 तो इस तरह टोटल नंबर कितने बन गए काउंट कर लीजिए है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर ऑफ एस में अरकान की तादाद कितनी है 20। हर एक में पहले हमें एस लिखना होता है नमूने वचक सैंपल और उसके बाद एन ऑफ एस यानी एस में अरकान की तादाद ठीक है इस तरह लिखा जाता है। अब अगर कहा जाता है कि आदत को दोहराना नहीं है जैसे 1, 1 वन को दोहराया जाए 2, 2, 3, 3 अगर उस तरह कंडीशन हो तो उस वक्त यहाँ 11, 22, 33 और 44 नहीं आएगा ठीक है इस बात का ख्याल रखना ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन है जिसको हम किस तरह लिखना है फर्ज किया ए ऐसा वकुआ है जिसमें है ना हर बार आपको ऐसे ही हल करना है ऐसे ही फर्ज करना है फर्ज किया ऐसा वकुआ है जिसमें जिसमें बनाया गया अदद कैसा होना चाहिए बनाया गया अदद मुफरिद पहली कंडीशन है आदत मुफरिद होनी चाहिए आदत क्या है मुफरिद है तो ए में सेट ए में जो रुकने रहेंगे जो अरकान रहेंगे वो इसी में से लेना है आपको एस में से तमाम कंडीशन में अरकान जो रहेंगे आदत जो रहेंगे वो इसी में से आएंगे स्क्रीन नहीं दिख रहा है फिर क्या दिखाई दे रहा है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन ही दिखाई दे रही है स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड नजर आ रहा है हाँ क्या प्रॉब्लम है फिर सब बराबर से चल रहा है बोर्ड आपको बराबर से दिखाई दे रहा है कोई मसला नहीं है ठीक है दिखाई दे रहा है। अब ए में मुफरिद अदद मुफरिद अदद को पता है मुफरिद अदद होते हैं जैसे फॉर से खुद के पहाड़े में आते हैं जैसे 10, 2 के और 5 के पहाड़े में आता है तो ये मुफरिद नहीं है 12, 3 के पहाड़े में आता है 14, 7 के पहाड़े में आता है 20, 4 के 5 के 5 के इन सब के 10 के पहाड़े में आता है ऐसे अदद 21 भी 3 के 7 पता है आपको मुफरिद जो किसी के पहाड़े में जाते सिर्फ और सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं ऐसे अरकान होते हैं मुफरिद का। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है 11 ऐसे तरतीब में आगे चलते हैं 11 के बाद है 13 के बाद 14 नहीं 20 नहीं 21 नहीं 22 नहीं 23 24 नहीं 31 नहीं 34 32 नहीं 34 40 नहीं 41 42 नहीं 43 ठीक है तो इतने हो गए मुफरिद आदत ठीक है टोटल कितने हो गए फिर नंबर ऑफ ए लिखेंगे तो नंबर ऑफ ए 6 ठीक है। अब हर एक का एहतमाल मालूम करना है तो एहतमाल का जाप्ता है आपका इस तरह पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस हर एक का एहतमाल आपको इस तरह मालूम करना है पी ऑफ एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस तो एन ऑफ ए कितना है 6 एन ऑफ एस कितना है 20 कटता है 36 2 3 6 2 2 20 3/10 अब और कटता है नहीं कटता है ये होगा इसका आंसर पी ऑफ ए 3/10 ठीक है आया समझ में।
अब दूसरी कंडीशन में फर्ज किया बी ऐसा वक़्वा है कि बनाया गया अदद चार का जाप है, दूसरा फर्ज किया बी ऐसा वक़्वा है कि बनाया गया अदद चार का जाप है। अब सेट बी के अरकान लिखेंगे, सेट बी के अरकान चार का जाप यानी चार के पहाड़े में आने वाले, चार से तकसीम होने वाले, बारह बीस चौबीस बत्तीस चालीस चौवालीस, ठीक है, जो चार के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, बारह बीस चौबीस बत्तीस चालीस चौवालीस, कितने हो गए नंबर ऑफ बी टोटल, ये भी हो गए छह, ठीक है। अब इस्तेमाल बी का, बी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, छह बटे बी, तीन दोनी दो किया छह, दो दाम बी, तीन बटे दस, यहाँ पर भी जवाब तीन बटे दस, पी ऑफ बी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, फर्ज किया सी ऐसा वक़्वा है, ऐसा वक़्वा है जिसमें हासिल होने वाले नंबर क्या रहेंगे, ग्यारह का जाप है, अदद ग्यारह का जाप है, सी ग्यारह का जाप, ग्यारह के पहाड़े में मतलब ग्यारह बाईस तैतीस चौवालीस, नंबर ऑफ सी चार, एहतमाल सी ऑफ सी एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस, चार बटे बीस, चार का चार चार पंजे बीस, एक बटे पांच। तो इस तरह ये तीनों कंडीशंस का हमने क्या मालूम किया, एहतमाल, ठीक है। साथ ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद सवाल देखेंगे आप, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए,
क्वेश्चन नंबर फोर का पहला सवाल देख लिया आप लोगों ने। किसी काम को पूरा करने के लिए सुनील को अनिल की बनिस्बत 5 दिन ज्यादा लगते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद अनिल ने वो काम छोड़ दिया, बाकी बचे हुए काम को सुनील ने 5 दिनों में पूरा किया। तो मालूम कीजिए हर एक को वो काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं। ठीक है, देख लिया आपने सवाल। तो हमें फर्ज करना होगा कि फर्ज किया सुनील ने अनिल को एक काम करने के लिए एक्स दिन लगते हैं। पहले हम फर्ज करेंगे, ठीक है, अनिल को एक्स दिन, तो सुनील को उससे 5 दिन ज्यादा, यानी एक्स प्लस 5। ठीक है, इस तरह हल करेंगे। हल करने के बाद हमें एक मसावत मिलेगी, यहाँ पर मुरब्बई मसावत बनेगी, और मुरब्बई मसावत बनने के बाद क्या करना है कि इसको हल करना। ठीक है, तो फर्ज किया सवाल नंबर 4 का पहला, हमने फर्ज किया अनिल को एक काम को 5 दरकार दिन उसको अनिल की बनिस्बत 5 दिन ज्यादा लगते हैं, इसलिए एक्स प्लस 5 करेंगे। अनिल के जो दिन रहेंगे वो एक्स रहेंगे, और सुनील के जो रहेंगे उससे 5 दिन ज्यादा, यानी एक्स प्लस 5। अब अनिल के जरिए एक दिन में किया गया काम, एक दिन में देखते अनिल कितना काम करता है। एक दिन में अनिल के जरिए किया गया काम 1/x, ये x इसकी क्या है, दिन है, तो x दिन में वो 1/x काम करेगा। और उसी तरह एक दिन में सुनील के जरिए किया गया काम जो रहेगा 1/x+5, यानी x प्लस 5 दिन में वो 1/x+5 काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आप देखिए यहाँ पर एक एक दिन का इनका काम हुआ, अब इनको दोनों की प्लस करके हम दोनों को मिलाकर दोनों मिलकर एक दिन में किया गया काम, दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों ने साथ में काम किया था, ठीक है, दोनों ने मिलकर काम किया वो 1/x+1/x+5। ठीक है, ये दोनों का काम है, लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन तक काम किया दोनों ने मिलकर। उसके बाद फिर क्या हुआ, अनिल ने काम छोड़ दिया और बाकी जो काम था वो सुनील ने कंप्लीट किया। तो ये दोनों का एक दिन का काम है, लेकिन अब दोनों ने मिलकर चार दिन में दोनों ने जो काम किया वो है 4
जर्ब होगा एक बटे एक्स जमा एक बटे एक्स जमा पांच, ठीक है। ये दोनों के जरिए किया गया काम चार दिन का, चार दिन तक दोनों ने साथ में काम किए थे। उसके बाद क्या हुआ, अनिल ने काम छोड़ दिया, तो उस काम को सुनील ने कंप्लीट किया। अब पहले पांच दिन में सुनील के जरिए किया गया काम वो मालूम करते हैं। तो पांच बटे एक्स जमा पांच, ये सब पांच दिन का काम किसका, सुनील का। सुनील ने पांच दिन में पांच बटे एक्स जमा पांच इतना काम किया, ठीक है। ये चार दिन में किया थे सुनील ने, पांच दिन में उसको कंप्लीट किया और अनिल ने छोड़ दिया। तो 1-4 यानी एक कम और ये चार दिन का काम दोनों का, जो भी यहाँ लिखा है एक बटे एक्स जमा एक बटे एक्स जमा पांच, है ना, बराबर कितना, सुनील का पांच दिन का काम, ये सुनील का पांच दिन का काम और ये एक दिन कम और ये उनके चार दिन का काम। तो इस तरह से लिखेंगे और फिर यहाँ से इसको हल करके हम क्या करेंगे, मसावाद बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एक दिन कम हो गया, चार ही दिन तक दोनों ने साथ में काम किए थे, इसलिए 1-4 days का जो वर्क है और ये किसके बराबर, सुनील के पांच दिन के काम के बराबर, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हमको हल करना आता है, है? हल करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मुरब्बे में मसावात मिलेगी। सबसे पहले दोबारा देख लेंगे, अनिल को एक काम करने के लिए एक्स दिन लगते हैं, तो सुनील को एक काम करने के लिए उससे पांच दिन ज्यादा लगते हैं, इसलिए एक्स प्लस फाइव हो गया। एक दिन में अनिल के जरिए किया गया काम भी रहेगा एक बटे एक्स रहेगा और एक दिन में सुनील के जरिए किया गया काम एक बटे एक्स प्लस फाइव रहेगा। दोनों को मिला देंगे तो दोनों का किया गया काम हो जाएगा ये चार, इसलिए गलत किए क्योंकि चार दिन का उनका काम है, पांच बटे एक्स जमा पांच सुनील का पांच दिन का काम, ठीक है। और फिर अब ये मसावा से अगली मसावा देखते, पहले हम इसको ब्रैकेट को हल करते हैं, 1-4 ऐसे रखते हैं, ब्रैकेट हल करेंगे, फिर से जर्ब करेंगे, एक्स जमा पांच का जर्ब होगा एक से, फिर इधर एक्स का जर्ब होगा एक से, बटे में होगा एक्स एक्स जमा पांच, इसका इससे जर्ब, इसका इससे जर्ब, फिर इन दोनों का जर्ब बराबर पांच बटे एक्स जमा पांच, ठीक है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ इसको रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स जमा पांच है, यहाँ भी एक्स जमा पांच है, नसब नुमा को एक जैसा करने में हमें इससे आसानी हो जाएगी, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिए स्क्वायर कर देंगे तो और थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। 1-4 एक्स एक्स कितना हो गया 2x जमा पांच बटे एक्स एक्स जमा पांच एक्स जमा पांच, ठीक है। अब क्या करते हैं, चार को अंदर भेजते जर्ब कर लेंगे, चार जो है ब्रैकेट के बाहर है, चार का जर्ब होगा दो से और चार का जर्ब होगा पांच से, ठीक है। तो उसको जर्ब कर लेंगे, 1-, ब्रैकेट ओपन, चार दूनी 8x जमा चार पंजे 20 बटे में वही है एक्स और एक्स जमा पांच, और ये भी क्या है, इधर कुछ नहीं किया अभी, ऐसे ही रखे इसको, ठीक है। अब ये देखिए ये कसर है, ये कसर है, ये कसर है, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है। नसब नुमा हम बनाएंगे x, x प्लस फाइव, सबका नसब नुमा एक जैसा करेंगे x ब्रैकेट x जमा पांच, तो इसके पास क्या काम है, x नहीं है इसके पास, इसके पास पूरा x x जमा पांच चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x x जमा पांच से जर्ब करने पर जो मतलब नसब नुमा बनाना है उसी से यहाँ भी जर्ब करेंगे, यहाँ भी जर्ब करेंगे और यहाँ भी जर्ब करेंगे, ठीक है। तो x, सवाल बड़ा है, सवाल नंबर चार है, आप सभी जानते हैं ये सवाल नंबर चार होता है, वो बुक का सवाल नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा हटा के, अभी सवाल बाकी है, ठीक है। चार मार्क्स के लिए सवाल होता है, सिलेबस में से बुक का सवाल नहीं होता है, बुक से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब x
एक्स जमा पांच, सबका नसब नुमा वही करना है, तो क्या करने पर, जर्ब करने पर। यहाँ एक्स एक्स जमा पांच नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एक से जर्ब हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स जमा पांच, ठीक है, यहाँ पर जर्ब होगा तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि बचेगा आपका आठ एक्स जमा बीस, ठीक है, क्योंकि एक्स जमा पांच यहाँ आएगा, जर्ब करेगा तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर पांच के साथ एक्स आ जाएगा और एक्स जमा पांच नीचे के एक्स जमा पांच से कट जाएगा, ठीक है। अब एक्स एक्स का जर्ब एक्स इक्वल दो जमा पांच और एक्स का जर्ब पांच एक्स जमा आठ एक्स जमा बीस, और ये पांच एक्स को इधर लेके आई मैंने तो नकली पांच एक्स बराबर जीरो, है ना, ये इधर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा बराबर जीरो प्लस आ, इधर आकर माइनस हो गया, ये प्लस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स क्या हो गया, कट गया, बच गया क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस फोर था तो उसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, या फिर मसावत नहीं बनेगी, मसावत बनने में प्रॉब्लम, माइनस था बाहर तो माइनस फोर से टू को जर्ब किए तो माइनस एट और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस ट्वेंटी आएगा। अब जाकर बनी है आपकी मुरब्बई मसावत, इतना पूरा हल करने के बाद अब जाकर अब क्या मिली है, मुरब्बई मसावत। अब मुरब्बई मसावत को हल करने का तरीका आपको पता है अजाई जर्जी के तरीके से, फैक्टर्स निकालना, जर्ब करने पर कितना आना चाहिए, नफी बीस, है ना, नफी बीस, और जमा या नफी करने पर कितना आना चाहिए आठ, तो किसके पहाड़े में आता है बीस, दस के पहाड़े में भी ले सकते हैं, चार के चार पंचे बीस लेंगे क्या, चार और पांच की जोड़ी लेंगे क्या, जर्ब करने पर बीस आ रहा है लेकिन जमा करने पर नाइन नहीं आ रहा है, एट नहीं आ रहा है, ये नहीं लेगी, दो जर्ब दस ले सकते हैं, दस दोनी बीस ले सकते हैं ना, क्योंकि दस में से दो नफी करेंगे तो आठ मिल जाएगा, इस तरह आपको जोड़ी चेक करके लेना होती है, तो ले रहे हम टेन और माइनस टू, ठीक है, जमा नफी नफी होगा, दस दोनी बीस नफी बीस हासिल होगा, दस में से आठ दो माइनस करेंगे तो आठ मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस टू एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, है ना, पहला रूप में ऐसे लिखते हैं, तीसरे रूप में भी ऐसे लिखते हैं, तीसरे रूप में के इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो की जोड़ी बनाते हैं, उससे निकालते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्स एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ से बाहर आ गया तो एक एक्स बच गया, जमा यहाँ से एक्स बाहर आ गया क्या बचा दस, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते क्या नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ से नफी दो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नफी दो, नफी दो निकल गया, एक्स बचा, नफी निकल गया तो ये हो गया जमा, और बीस में से दो निकालना, माइनस नहीं करना, तकसीम करना, दो दा है बीस, तो यहाँ कितना आएगा दस बराबर जीरो, ठीक है। मुरब्बे मसावत में हमेशा दो ब्रैकेट जो होते हैं वो दोनों कैसे मिलते हैं, सेम होना चाहिए, एक्स प्लस टेन बाकी एक्स माइनस टू, ठीक है। अब किसका लिखते हैं, फिर एक्स जमा दस बराबर जीरो या एक्स नफी दो बराबर जीरो, एक्स बराबर इधर जाएगा तो नफी दस, एक्स बराबर इधर जाएगा तो जमा का दो, ठीक है। तो अब प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई यहाँ पर, माइनस एट था, माइनस एट प्लस से देखते हैं, माइनस एट माइनस ट्वेंटी,
कॉमन निकालेंगे x माइनस टेन, ठीक है। अब यहां से दो निकालेंगे x माइनस टेन, एक ब्रैकेट में लगा x माइनस टेन, दूसरा ब्रैकेट x प्लस टू। x माइनस टेन बराबर जीरो या x प्लस टू बराबर जीरो, इसलिए x बराबर दस या x बराबर नफी दो। अब ये नफी में जो है ना, तो दिनों की तादाद नफी में नहीं हो सकती। माइनस में जो आंसर आता है उसको कैंसिल करते हैं, माइनस हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब ये क्या है, x बराबर दस। x क्या फर्स्ट किए थे हमने, x जो था हमारा अनिल के जरिए किया गया काम था। x क्या था, अनिल ने फर्स्ट किए थे, अनिल के जरिए किया गया था। तो अनिल का काम कितने दिन में कम हुआ, फिर x बराबर यानी 10 दिन में। अनिल ने कितने दिन काम किया, अपने काम को 10 दिन में मुकम्मल किया। और सुनील ने उससे कितने दिन ज्यादा, 5 दिन ज्यादा। तो उसमें क्या हो जाएगा, 5 x प्लस 5 यानी प्लस हो जाएगा, यानी 15, ठीक है। अनिल ने काम 10 दिन में मुकम्मल किया और सुनील ने उससे 5 दिन ज्यादा यानी 15 दिन में काम को मुकम्मल किया, ठीक है। पूरा बोर्ड का स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इधर का पहले आप थोड़ा ये वाला स्क्रीन शॉट इतना ले लीजिए, ये पूरा नहीं आ पा रहा, सवाल बड़ा है। इधर का कट रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए, आया सभी को समझ में। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो सवाल नंबर 4 का है, ठीक है। सवाल नंबर 4 में ऐसे ही सवाल होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, ठीक है। उस पर 4 मार्क्स हमको मिलने वाले हैं, है ना। तो 4 मार्क्स बड़ा होता है, ज्यादा 4 मार्क्स ऐसे ही आसानी से हमको नहीं मिल जाएंगे ना, ठीक है। मेरे सबने स्क्रीन शॉट, चलिए फिर अब इसके बाद वाला सवाल। एक शख्स के जरिए, एक शख्स के जरिए रुपीज 7,680 को 12 किस्तों में अदा किया गया, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी है, रुपीज 7,680 12 किस्तों में अदा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एस एन रहेगा वो रहेगा 7,680 12 किस्तों में जो एन रहेगा आपका वो 12 रहेगा। हर किस्त अपनी साबिका किस्त से 20 रुपए कम है। 12 किस्त में उसने जो भी अमाउंट लिया था, कर्ज लिया था, उसको अदा किया 12 किस्तों में, और हर बार जो किस्त अदा कर रहा है उससे 20 रुपए कम दे रहा है, माइनस 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह पहली और आखिरी किस्त मालूम कीजिए कि पहली किस्त यानी T1 और लास्ट की किस्त यानी T12 रहेगी, वो हमें मालूम करना है, ठीक है। S12 दिया हुआ है, SN का फॉर्मूला लेंगे, N12 रहेगा, ठीक है।
सवाल नंबर चार का दूसरा, एक शख्स ने सेवन सिक्स एट जीरो जो सिरक में है, ठीक है, वो ली है। तो ये जो रकम है ये रहेगी आपकी एस एन, ठीक है, रुपीज सेवन सिक्स एट जीरो। एन जो है 12 किस्तों में उसको वादा कर रहा है, तो यहाँ पर आपका एन रहेगा 12। और डी जो रहे हर किस्त में पहली किस्त से उसको 20 रुपए कम अदा करना पड़े, यानी माइनस 20। हर बार की पहली किस्त से आखिरी किस्त में 20 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो डी जो रहेगा आपका वो माइनस ठीक है, तो डिफरेंस डी जो रहेगा वो माइनस 20 रहेगा, ठीक है। तो एस एन एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एस एन का जाप्ता है क्योंकि एस एन दिया है, टोटल अमाउंट डी है। तो एस एन के फॉर्मूले को लेकर हम उसको हल करेंगे, फिर वहां से पी वन मालूम करेंगे, ठीक है। एस 12 एन 12 टू ए मालूम करना है, ए यानी वही पहली किस्त होगी, यानी ए मालूम होगा यानी पहली किस्त मालूम हो जाएगी। एन 12 माइनस वन डी जो है माइनस 20 नफी 20। अब जो उसका 12 किस्तों का टोटल अमाउंट जिसको देना है वो दिया हुआ है, यहाँ पर उसकी कीमत हम लिख देंगे 7680, ठीक है। दो एका दो, दो छंग 12, छह, दो ऐसे ही रहेगा, 12 में से एक नफी हो गया 11, और ये नफी 20 को भी ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। हमने यहाँ माइनस किए, अब इसके बाद में मल्टीप्लीकेशन करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये सिक्स, सिक्स को क्या करते हैं हम इधर भेज देते हैं, जर्ब में है इधर आकर क्या करेगा, तकसीम करेगा, यहाँ जर्ब में है इधर आकर तकसीम करेगा। और इधर क्या बच गया आपका, दो ए जमा जमा नफी, नफी हो जाएगा 20 और 11 का जर्ब, 11 सिफर सिफर 11 दूनी 22, ठीक है। 11 को नफी जिसके यहाँ जर्ब हो गया, नफी 220 आ गया, ठीक है। अब छह यहाँ जर्ब में था, इधर आकर तकसीम करेगा, छह का छह, छह का छह, एक बज गया 16, छह दोनी 12, चार बज गया 48, छह थे 48 और जीरो, ठीक है। अब बज गया हमारा 1280 बराबर 2a नफी 220, नफी 220 को इधर ले लीजिए आप, तो वो हो जाएगा जमा 220। इधर क्या है आपका 2a, ठीक है, 2a दोनों की जमा कर लीजिए, कितना हो रहा है 220 और 1280, टोटल हो गया 1500, ठीक है। a बराबर 1500/2, दो एक का दो है ना, दो यहाँ से आकर इधर आ जाएगा तकसीम में, दो साथी 14, एक बज गया 2 5 10, सिफर का सिफर, ए 750, ए यानी पहली किस्त उसको कितनी अदा करनी होगी 750 रुपए, है ना, ए वही होता है, ए और टी वन एक ही होता है, ठीक है।
ए जो है ये पहली किस्त, पहली किस्त मालूम करना है, पहली किस्त इस पर ₹750 अदा करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी किस्त यानी टी एन, ए प्लस एन माइनस वन डी, एस एन और टी एन का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला ही ज्यादा से ज्यादा इस सबक में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब टी एन यानी T12, A अभी मालूम किया 750, N12 माइनस वन, D माइनस 20, T12 मालूम करना है 750 जमा ये हो गया 11 नसी 20, फिर वही दोनों का जर्ब करेंगे 750 जमा नसी नसी 11 दूनी 22, ये हो गया 220, 750 में से 220 माइनस होगा तो आपका आएगा जवाब 530। तो ये 530 क्या है, ये 530 आखिरी किस्त है, 12वीं किस्त है ना, 12 किस्तों में उसने टोटल रकम को अदा किया, तो ये उसकी पहली किस्त और ये आखिरी यानी 12वीं किस्त, ठीक है। आया समझ में? सवाल नंबर 4 का भी दूसरा, दो सवाल होते हैं उसमें, दो में से कोई एक आपको करना होता है। यहाँ सवाल मुकम्मल हुआ, बाहर का नहीं आएगा। कौन है ये? उज्मा बुशरा। बाहर का नहीं आएगा, बाहर का आता है सवाल नंबर 4 में, लेकिन बाहर का बोले तो कैसा, ये जो सवाल है ये बुक में नहीं है, इस तरह का सवाल है, इसके आदत को चेंज करके थोड़ा सा सवाल बदल के दिया जाता है, तो उसको बाहर का ही कहते हैं ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सिलेबस से रिलेटेड होता है, लेकिन सिलेबस से बाहर का ही होता है, यानी बुक में जो सवाल दिए वो सवाल नहीं होता है, ना एक्सरसाइज का होता है, ना ही मजमू सवाल का होता है, ठीक है। उन जैसे सवाल हमारी किताब में होते हैं तभी तो हम उसको हल कर पाते हैं ना, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, अगर कुछ अलग दे देंगे तो उसका जो लॉजिक है, उसके पीछे कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करना है, वो आपको कैसे पता रहेगा, ऐसा रहता है इसका लॉजिक आपको पता होता है, ठीक है। चलिए अब अगला भी सवाल है, सवाल नंबर 4 हो चुका, ठीक है, तीसरा नहीं करेंगे, साथ दीजिए कसीब जिले को नहीं बनाना है, लास्ट चैप्टर का है। सवाल नंबर 5, यहाँ पर तकसीम बनाना है हमें, मसावत दी हुई है x+5=6 की तरसीम बनाइए जो एक्स महवर और वाई महवर को बिल तरतीब ए और बी पर कता करती है, कता ए बी की लंबाई मालूम कीजिए, ठीक है, पहले तरसीम बनाना है, उसके बाद ए बी की लंबाई मालूम करना है, उसके बाद ट्रायंगल वहां बन रहा है, ट्रायंगल का रकबा भी मालूम करना है, जबकि ओ क्या है, मब्दे को जाहिर करता है, ठीक है। आगे सवाल समझ रहे हैं, तो पहले एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ है उसकी मसावत लेकर पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, तरसीम बनाएंगे ग्राफ पेपर, ठीक है। तरसीम बनने के बाद देखते हैं क्या मिला हमें, ट्रायंगल मिलता है या नहीं, ट्रायंगल बनता है या नहीं, ठीक है। सवाल देख लिया आप सभी ने, तो पहले क्या बनाना होगा, फिर एक्स प्लस वाई इस मसावात को लेकर आपको क्या बनाना है, टेबल,
हो गया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर 5, तो जब मसावत दी होती है ना चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 चल रहा है। मसावत है x प्लस y इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करते हैं, एक ऐसा टेबल बनाना होता है ना, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 कीमत लेंगे, इस तरह टेबल बनाएंगे, यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, यहाँ x कॉमा y रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो कीमतें लेना है वो हमें हमारी मर्जी से कुछ भी हम ले सकते हैं, है ना। x लीजिए 0, 1, 2, 3, या y लीजिए, x कीमत लेंगे हम खुद लेंगे तो y हासिल होगा, अगर हम y लेंगे तो x हासिल होगा, ठीक है। तो हम 0 से शुरुआत करते हैं, अगर हम x बराबर 0 ले लें, क्या ले लें, x बराबर 0, यहाँ लिए मैंने 0, ठीक है। तो अब इसके नीचे टेबल के नीचे इस तरह हल करना है, मसावत लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 6, x लिएगा 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y कितना हासिल हुआ 6, ठीक है, आया समझे। तो ये 0 लेने पर y मिला 6 और मुहद्दिद मिले 0, 6, जो हम टर्सिंग पे लेंगे, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ x 0 ले, अब मैं y 0 ले लेती हूँ, है ना, छोटे छोटे 0, 1, 2, 3 इस तरह ही आदत लीजिए, अब 0 से ही शुरुआत कीजिए इधर। तो अभी पहले x 0 लेते हैं, y 0 ले लेंगे, पहले हमने y को 0, x प्लस y 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 0 हट जाएगा तो क्या बचा, x बराबर 6, ठीक है। y 0 लिए तो x मिल गया 6, मौजूद मिला 6, 0, ठीक है। आप कुछ भी ले लीजिए, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले लेंगे हम, x को अगर हम 3 लेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी 3 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ये प्लस 3 जाएगा माइनस, तो कितना बचा y 3, ठीक है। तो जब हमने x 3 लिए तो y भी हमें 3 मिला, इस तरह आपको, है ना, पहले सबक नंबर 1 और सबक नंबर 6 में 2 मरतबा आपको टर्सिंग का सवाल पूछा जाता था, 2 चैप्टर 1 में भी था, चैप्टर 6 में भी था। तो चैप्टर 6 अभी हटा दिया गया है, तो चैप्टर 6 का अगर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा तो 100% आपको श्योर यह है कि आपको क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह का चैप्टर 1 से आएगा, क्योंकि अभी एक ही टर्सिंग का सवाल आपका बच गया है, तो इसका सवाल आएगा ही आएगा। तो जब ये सवाल आते हैं तो इसको इसी तरीके से आपको पहले टेबल बनाना, नुकात मालूम करना और फिर इसको तरसीम पर बनाना, ठीक है, इस तरह किया जाता है। अब क्या करना है हमको, इसको इसकी ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसकी हमको ग्राफ बनाना है। तो चलिए फिर ग्राफ बनाते हैं, दिखाई दे रहा है सबको, ग्राफ पेपर है मेरे हाथ में, कि हमारे निकात मिले हैं 0, 6, 6, 0 और 3, 3, यहाँ मब्दा ही हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यस में है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। चलिए अब टाइम तो हो चुका है, सवाल शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। फिर मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ शॉर्ट में, जल्दी हम ग्राफ बना लेते हैं। 06 जो रहेगा, 0x है तो y बराबर पर रहेगा, यहाँ आपका 06 रहेगा और 60 आपका यहाँ रहेगा x बराबर पर, 33 आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। ये तीनों नुकात हमने बना लिए हैं, तीनों नुकात को लेकर इस तरह आप ये आपका बन गया ए ओ बी। देखिए आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पहले ए बी मालूम करना है और उसके बाद इस मसलस का रकबा भी मालूम करना, ठीक है। तो ए बी हम फासले के जाप्ते से भी मालूम कर सकते हैं और फिसागोरस के मसले से भी मालूम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से ये लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। फिसागोरस के मसले से ए बी मालूम कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब ए बी हमें मालूम हो जाएगा, फिसागोरस के मसले से ये हासिल होगा 6/2। फिर मुसलस का रकबा मालूम करना है, मुसलस का रकबा 1/2 जर्ब कायदा जर्ब इतफा से हम इसका रकबा मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी वक्त की नजाकत को देखते हुए फिसागोरस के तरीके से आप ए बी मालूम कर लीजिए और फिर मुसलस ए बी का सी का रकबा कायदा जर्ब इतफा, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? टाइम हो चुका है इसलिए ठीक है। चलिए समझ में आ गया, फिर आप कर लेंगे आप लोग। ए भी मालूम कीजिए आप फिसागोरस के मसले से, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। 6 और 6 दिया है, 6 6 का मुरब्बा 36, 36 जमा 36 72 हो जाएगा। यहाँ पर 6/2 ए बी हासिल होगा आपको, ठीक है। अब ए बी हासिल होने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 1/2 जब कायदा जब इर्तफा के हिसाब से आप मालूम कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर लेक्चर यहाँ एंड करते हैं हम, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज।